more effective writing give you an edge at work? Grammarly can make your job one click simpler. Grammarly ने PC की ऑडियो को अगर OBS स्टूडियो के अंदर ऐड करना है तो यहाँ पर हमें केवल एक ऑप्शन मिलता है और वो है डेस्कटॉप ऑडियो। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि हमारे PC पर जो कुछ भी प्ले हो रहा है, कोई भी चीज अगर हम प्ले करेंगे, सुनेंगे, तो उसका ऑडियो हमारे OBS में सुनाई देने लगता है, स्ट्रीमिंग पर सुनाई देने लगता है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अलग अलग ऑडियो ट्रैक को OBS में ऐड कर सकते हो। उन्हें सेपरेट ऑडियो ट्रैक को ऐड करने के लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी। इस प्लगइन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, इस तरह से यहां पर एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे हो इस साइड डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड वन। ये इसकी सेटअप exe फाइल है, इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है और ये हमारे डाउनलोड हो जाएगी। सेटअप ऐसे आता है, विंडो प्रोटेक्ट योर पीसी, तो यहाँ मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद रन एनी वे पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। OBS स्टूडियो फोल्डर ही होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक मैसेज आ रहा है और कर लीजिए और उसके बाद आपको चेक कर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल हो गया है। अब आपको अपने OBS स्टूडियो को एक बार बंद कर देना है। बंद करके दोबारा से हुआ है नहीं हुआ है, हमारा आ रहा है एप्लीकेशन ऑडियो आउटपुट कैप्चर, यानी ये प्लगइन हमारे पीसी पर, हमारे OBS पर इंस्टॉल हो चुका है। इससे पहले ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देता था। तो ये प्लगइन हमारे पीसी में इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी सेटिंग और करनी है, तो OBS सेटिंग और, इससे पहले ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देता था, तो हो चुका है। इससे पहले
சரி நீ போயிட்டு வா. ஒரு அவுட்டை ரெண்டாக பிரித்து இது பண்ணி இது பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அவுட்டு அமௌண்ட் இன்னொன்று இருக்கு லைவ்ல போயிட்டு இருக்கேன்.